चौकीदारों को भी अलर्ट रखा गया है, उनको कहा गया है कि गांव में होने वाली छोटी से छोटी घटना की सूचना उनको तुरंत वरीय पदाधिकारियों को देनी है। सभी को निर्देश दिया गया कि हाई अलर्ट पर रहना है। कई बार चुनाव के परिणाम के बाद दो गुटों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और जिसका परिणाम जो है कभी कभी हिंसा में होता है। बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है, मैं मनोज। और दरभंगा में दूसरे चरण का मतदान और मतदान के बाद अंतिम चरण तक के जो एक पुलिस की बड़ी जवाबदेही होती है शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, दरभंगा SSP बाबूराम जी हमारे साथ हैं। जो लगातार शांतिपूर्ण मतदान तो दूसरे चरण में हो गया है, लेकिन अब आगे क्या क्या प्रक्रिया होगी, किस तरह किया गया है? ये पंचायत चुनाव की तैयारी काफी पहले शुरू हो गई थी। काफी बड़े पैमाने पर हम लोगों ने एंटी सोशल एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हुए उन पर प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। 107 के तहत बॉन्ड भरवाया है, CCA 3 में थाना पे हाजिरी लगवाई है, गुंडा परेड करवाई है और बाकी सब फ्रंट पे भी तैयारियां की गई हैं, जिसका परिणाम रहा कि दूसरे चरण का मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। आज मतगणना जारी है सुबह से 7 बजे से ही, और 6 बजे से ही सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। न केवल मतगणना केंद्र के अंदर और बाहर बल्कि शहर में भी विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस अपनी ड्यूटी पर लगी हुई है। सभी को निर्देश दिया गया कि हाई अलर्ट पर रहना है। कई बार चुनाव के परिणाम के बाद दो गुटों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और जिसका परिणाम जो है कभी कभी हिंसा में होता है। इसके लिए सभी को अलर्ट किया गया है, पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और सभी को निर्देश दिया गया है कि कहीं पे भी विजय जुलूस नहीं निकालना है। और इसके अलावा जो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी निर्देश है उनका पालन भी कड़ाई से कराया जा रहा है। खासकर मतगणना के बाद गाँव में जो हिंसा की घटना होती है समाज, उसकी सूचना चौकीदार के, चौकीदार एक मजबूत एक सूचना तंत्र होता है, जो कि अभी शराब भी बट रहे हैं, बहुत से प्रत्याशी ऐसे हैं जो शराब पिला करके लोगों को अभी से ही रख रहे हैं, तो चौकीदारों को क्या भूमिका इस पर? चौकीदारों को भी अलर्ट रखा गया है, उनको कहा गया है कि गांव में होने वाली छोटी से छोटी घटना की सूचना उनको तुरंत वरीय पदाधिकारियों को देनी है। पूर्व में कुछ ऐसे दृष्टांत आए थे जहां चौकीदारों ने शराब के मामले में समय रहते सूचना नहीं दी थी या पर्याप्त कार्रवाई नहीं कराई थी। ऐसे में 8 से 10 चौकीदारों को सस्पेंड किया गया है, इसमें से 3 से 4 मुझे याद आ रहे हैं डिसमिस हो चुके हैं और बाकी लोगों की भी प्रोसीडिंग प्रक्रिया अधीन है, उसमें जल्दी कार्रवाई होगी। चौकीदारों को हम लोग लगातार सेंसिटाइज करते रहते हैं, चौकीदारी परेड भी होती है, थानेदार के माध्यम से, सर्किल इंस्पेक्टर SDPO के माध्यम से इनको लगातार निर्देश दिया जाता रहा है। अभी भी इनको हाई अलर्ट पर रखा गया है कि चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद में कहीं गाँव में तनाव हो सकता है या इसके अलावा जहाँ भी मतदान बाकी है जिन चरणों में वहाँ पर ऐसी कोई शिकायत आ सकती है कि कोई कैंडिडेट शराब पिलाए या शराब बांटे या अन्य प्रकार से अगर किसी तरह का भी लालच दे मतदाताओं को, तो उसकी सूचना तुरंत इनको वरीय पदाधिकारियों को देने के लिए निर्देशित किया गया है। खासकर बता दें कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है दरभंगा पुलिस का, दरभंगा पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों पर भी कार्रवाई कर रही है और गुंडा तत्व जो है वो अभी खौफ खा रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी आ रहा है कि जो शराब विक्रेता हैं जो अभी इसको अभी एक बड़ा व्यवसाय के रूप में ले रहे हैं, ताकि अभी मुखिया प्रत्याशी सब उनसे अधिक दामों पर विक्रेत, उन पर निगरानी रखने के लिए किस तरह की कार्रवाई है? इसमें हम लोगों ने कई लेवल पे अपने इंटेलिजेंस को सक्रिय किया हुआ है और काफ़ी भारी मात्रा में शराब की बरामदगियाँ हुई हैं और काफ़ी संख्या में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। इसके अलावा हमने 200 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो एक से ज़्यादा बार शराब के कांडों में जेल जा चुके हैं। ऐसे लोगों की बेल कैंसिलेशन की कार्रवाई हम लोगों ने शुरू कर दी है, इसका प्रस्ताव कोर्ट में समर्पित भी किया गया है, इसको लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और इसकी बेल कैंसिलेशन होने का एक अच्छा प्रभाव इस पर पड़ेगा, ऐसे हम लोगों को उम्मीद है, क्योंकि अमूमन लोगों को ऐसा लगता है कि इस केस में जल्दी बेल मिल जाएगी और आने के बाद फिर से उसी धंधे में लग जाते हैं। इसको लेकर हमने लोगों ने अपनी रणनीति बनाई है। इसके अलावा एक हमारी मध्य निषेध के लिए स्पेशल छापामारी टीम का गठन किया हुआ है जो प्रतिदिन छापामारी करती है, इसमें डॉग स्क्वाड की हम लोग मदद ले रहे हैं, उससे भी काफ़ी सारी रिकवरी हुई है। और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या आम लोग हैं उनसे भी लगातार अपना जनसंपर्क हम लोग बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। खासकर बता दें कि अब थाना पर विश्वास बढ़ाने के लिए दरभंगा SSP ने एक बड़ा कदम उठाया था, वो ये है कि कई ऐसे थाना प्रभारी जिन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जनता के साथ, पीड़ित के साथ न्याय नहीं किया, उस पर कार्रवाई हो गई है, तो किस तरह सूचना मिली और किसी आपने कार्रवाई की? कुछ मामलों में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी जिसमें एक SHO को भी निलंबित किया गया है, इसके अलावा एक सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है और ऐसे मामलों को हम लोग प्रायोरिटी पर रखकर जल्दी से जल्दी अनुशासनिक कार्रवाई पूरी कराते हैं। अनुशासनिक कार्रवाई की एक प्रक्रिया है, जो उस प्रक्रिया का अगर उल्लंघन होता है तो फिर
जो अपचारी है उसको कोर्ट में फ़ायदा मिल जाता है, इसलिए उसको जो प्रक्रिया उसका पूरी तरह पालन किया जाता है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसको हम स्पीड अप करा के जल्दी से उसमें निर्णय कराने की कोशिश करते हैं ताकि जो उनको फाइनल पनिशमेंट है वो भी हो। अंतिम क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम लोगों को जो भी दशहरा भी है, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए चुनाव भी है, किसी भी तरह एक दूसरे के साथ कोई तनाव ना हो, कोई ईर्ष्या द्वेष ना हो, क्या संदेश देंगे? दुर्गा पूजा को लेकर तमाम पूजा समितियों के साथ और शांति समिति के साथ हम लोगों ने बैठक की है और सरकार से मिले निर्देश के आलोक में सबको अवगत करा दिया गया है कि जिला में कोई भी जुलूस बिना परमिशन के नहीं निकलेगा और परमिशन के बाद भी उसमें 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ बड़े पूजा पंडाल लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं के एकत्र होने की संभावना है, वहाँ पे कोविड की गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करने का निर्देश दिया गया है। पूजा समितियों को कहा गया है कि वो अपने वॉलंटियर्स रखें, उनको ट्रेनिंग दें, उनको अलग से वेशभूषा दें, परिचय पत्र दें और उनकी खुद की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने कार्यक्रम को या फिर अपने जुलूस को वो अनुशासित रखें और जो सरकार के द्वारा निर्देश हैं उनका पालन हो, कोविड नियमों का पालन किया जाए और जो आगे चुनाव और फेस्टिवल्स एक साथ हैं इसको लेके मैं आज जिला के समस्त निवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे और परिस्थिति को समझते हुए हम लोग आत्म संयम से काम लेते हुए अनुशासन के साथ पूरी तरह अपने घर में जहाँ तक संभव हो फेस्टिवल्स को मनाएं और चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं सभी लोगों को कि पुलिस पूरी तरह से तैयार है, हमने बड़े पैमाने पर तैयारी की हुई है, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है, जितने एंटी सोशल एलिमेंट हैं सबको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है और सब पे समय रहते कार्रवाई हो भी रही है तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो धन्यवाद, हम बता दें कि आपको सुरक्षित और शांति पूरे समाज में कैंप करने के लिए दरभंगा SSP लगातार लगे, यहाँ तक कि उन्होंने थाना प्रभारी तक पर कार्रवाई कर दी है ताकि एक विश्वास थाना पुलिस के साथ कानून पर बनी रहे। लेकिन आपकी भी जिम्मेवारी है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो तो तुरंत हेडलाइंस तुरंत जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है आप उस पर कॉल करें ताकि आपका समाज सुरक्षित हो, आप अपनी जिम्मेवारी का पूरी तरह निर्माण करें। देखते रहिए बिहार में, धन्यवाद।